प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रिंसिपल तेरी तानाशाही छात्र संघ चुनावों में जो छात्र नेताओं द्वारा तैयारियां की जा रही है राजकीय महाविद्यालय अजमेर में, उन तैयारियों को लेकर सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जो यहां के प्राचार्य महोदय हैं वो विचारधारा विशेष से ग्रसित है और खुलकर उस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को कहते हैं कि आप खुल के वोट मांगिए, NSOI का पैनल वो फाइनल करवाते हैं, और जो यहाँ पर गार्ड लगाए हैं वो गार्ड की भर्ती भी पूर्व में NSOI के जो स्टूडेंट लीडर हैं उनको यहाँ पर उन्होंने गार्ड लगा रखा है। यहाँ पर जो लेक्चरर थे उनको जिले के अन्य महाविद्यालयों में भेज दिया गया है, और उन लेक्चररों की जगह किराए जो 250-300 रुपए में जो MED किए हुए लेक्चरर आते हैं उनको लाकर यहाँ छात्र संघ चुनाव की तैयारियाँ चलवाई जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो और छात्र हितों का हनन नहीं हो, क्योंकि हर छात्र नेता जो तैयारी करता है वो सामान्य गरीब परिवार से आकर यह तैयारी। प्रशासन ने क्या करा? प्रशासन भी पूरा प्राचार्य के साथ मिला हुआ है। प्रशासन ने हमें पुतला नहीं फूकने दिया, और वो वहाँ लाठीचार्ज कर रहे, धक्का मुक्की किए उन्होंने, बहुत ही धमका, बिल्कुल धमका रहे हैं वो कि अगर आपने ऐसा किया तो हम बंद कर देंगे। पकड़ के थाने की जीप में ले जा रहे थे, उन्होंने फिर बाद में छोड़ दिया हमें आगे ले जाके। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, SP साहब से मिलेंगे, IG साहब से मिलेंगे, और हमारे जो विधानसभा में है तो हम हमारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि सवाल विधानसभा में उठाए और ऐसा छात्र संघ चुनाव नहीं हो जिसका बिल्कुल धांधलियों के साथ हो। पूर्व में भी इस प्राचार्य द्वारा धांधलियाँ की जाती थी और आज भी वही है। आप कह रहे हो कि NSOI के छात्र अंदर घूम रहे हैं? NSOI के छात्र अंदर घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि NSOI के पूर्व के छात्र नेता जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा हुआ है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हुआ है, उनको गार्ड में लगाया हुआ है। उनकी योग्यता क्या है? कोई तो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी होगी गार्ड लगाने के लिए। क्या NSOI के पूरे लोगों को भर्ती कर लोगे आप और यहाँ कॉलेज NSOI के लोगों से चलाओगे? क्या व्यक्तिगत विचारधारा से कोई ऊपर वो नहीं है? निष्पक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। आपका नाम? हंसराज चौधरी, छात्र नेता। आज जो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, वे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि काफ़ी समय से वो महाविद्यालय में कांग्रेसीकरण कर रहे हैं, कांग्रेसीकरण की भावना बच्चों में फैला रहे हैं। और आज हम लोगों ने जब पुतला फूकने का प्रयास करा तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के आड़े आकर के वो पुतला नहीं फूकने दिया, हमारी बात को दबाई जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल जैसे नामांकन का पर्चा उठाने का समय था तो उस समय NSOI या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नॉन कॉलेजर हैं वो कैंपस में घूमते हुए नजर आए। उन लोगों में होड़ मची हुई थी और एक दूसरे जो पर्चा उठाने कार्यकर्ता आ रहे थे उनको उठाया जा रहा था। तो हमारी यही मांग है प्रशासन से कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, चुनाव की जो रिकॉर्डिंग है CCTV फुटेज है वो हमें अपलोड कराया जाए, और महाविद्यालय में कांग्रेसीकरण बंद हो, और हमारी ये जो आंदोलन है जारी रहेगा। आज यहाँ हुआ है, कल कलेक्ट्रेट पर करेंगे, परसों कहीं और करेंगे, लेकिन हम हमारी आवाज़ उठा के रहेंगे। अभी विचार चल रहा है पुतला फूकने पर, नहीं फूकने पर। मेहुल गर्ग, प्रदेश मंत्री।